आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में इस भाग्यनगर में भावी योजना को लेकर के जिस विराट चिंतन के कार्यक्रम के साथ बैठी है, अभी कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है। आप सबकी इतनी विशाल रैली को देखते हुए मैं सबसे पहले तेलंगाना के आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आपका उत्साह हम सबको एक नई प्रेरणा और एक नया उत्साह प्रदान करता है। तेलंगाना के अंदर जो कुशासन है, जिस प्रकार की राजनीतिक अराजकता पैदा करने का प्रयास हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के मिशन को रोकने के लिए जिस प्रकार की साजिशें हो रही हैं, उन सबको बेनकाब करने के लिए आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों ने पिछली बार भाग्यनगर कॉरपोरेशन चुनाव में अपनी ताकत का एहसास कराया था और हमें विश्वास है कि आज पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन देखने को मिला है वह आप सबके सामने है। मुझे आश्चर्य होता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी मंच पर आए हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, 45 लाख गरीबों के मकान आवास बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलता है और कोरोना कालखंड में पिछले 28 महीनों से उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को डबल इंजन की सरकार है तो महीने में 2 बार फ्री में राशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। लेकिन भाइयों बहनों, तेलंगाना के अंदर कोई भी केंद्रीय योजना को ईमानदारी के साथ लागू करने की बात तो दूर, अगर कोई केंद्रीय योजना लागू भी होती है तो उस योजना पर अपना ठप्पा लगाने का कुत्सित प्रयास भी होता है। अब वह दिन दूर नहीं जब आपका उत्साह एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की तर्ज पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में तेलंगाना में भी कमल खिलाने का कार्य करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज आप जान रहे हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वहां पे सुरक्षा भी है, सुशासन भी है और उत्तर प्रदेश समृद्धि के एक नए मार्ग की ओर आगे बढ़ रहा है। सबका साथ सबका विकास की भावना के अनुरूप बिना भेदभाव के सरकारी योजनाओं पर कार्य हो रहा है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है तो काशी में भगवान विश्वनाथ का पवित्र धाम बन करके देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। पेशेवर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ कैसे कार्रवाई होनी चाहिए और सत्ता में रह करके
सत्ता के खजाने को लूटने वालों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, आज उत्तर प्रदेश उस प्रकार की कार्रवाई वहां पर बखूबी करने का कार्य भी कर रहा है। और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर, जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और स्वागत के लिए तेलंगाना के आप सभी भाइयों बहनों ने अपार जनसमूह के साथ भाग्यनगर के भाग्य को बदलने के लिए इस विशाल रैली के साथ आप यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आपके साथ मैं भरपूर सहयोग के लिए आप सबको आश्वस्त भी करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। इप्पुडु राष्ट्रंलो